हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइफ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको आ जाता है बहुत सारा गुस्सा जब आप कर रहे हैं किसी से कॉलिंग पर बात, या फिर आप कर रहे हैं इंटरनेट का डाटा यूज, अचानक हो जाता है आपका मेन बैलेंस खत्म, या फिर इंटरनेट का डाटा खत्म, या फिर आपके घर में आपके फैमिली में कोई कहता है कि मेरे इस नंबर पर जाकर रिचार्ज करवा कर आ जाओ, तो आपको आता है गुस्सा कि मैं अभी जाने वाला नहीं, अभी मैं बिजी हूँ एक्सेट्रा। तो दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं घर बैठे अपने मोबाइल पर रिचार्ज, अपने ही क्या, कौन से भी नेटवर्क पर आप कर सकते हैं रिचार्ज, चाहे वो मेन बैलेंस का हो या फिर इंटरनेट का, सारे प्लान्स आप रिचार्ज कर सकते हैं अपने घर बैठे। आपको मोबाइल शॉप पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं बताऊंगा आपको आप कैसे करेंगे मोबाइल रिचार्ज एवरी नेटवर्क पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर में, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको प्ले स्टोर में जाने का सर्च करना है पेटीएम। ये देखिए, मैंने सर्च किया, ये आ गया पेटीएम। बस आपको करना है इसको डाउनलोड और करना है ओपन। दोस्तों, वैसे तो प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे रिचार्ज करने के रिलेटेड, लेकिन पेटीएम के जैसा मेरे ख्याल से तो कोई होगा नहीं। मतलब पेटीएम बहुत ही अच्छी यूज़फुल एप्लीकेशन है, और चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो ये देखिए हमें फर्स्ट में ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल प्रीपेड, तो हमें करना है इस पर क्लिक। बहुत ही सिंपल प्रोसेस इसमें दिया गया है, बस आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। सबसे पहले आपको ऑपरेटर चूज़ करना है, जैसे कि ये हो गया प्रीपेड, हो गया ये हो गया पोस्टपेड। तो आपका पोस्टपेड है तो आप पोस्टपेड पे क्लिक करिए, अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको सिंपली आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। मेरा जो मोबाइल नंबर है, मैं आपको एक नॉर्मली डाल कर बताता हूँ। ये मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया। जैसे मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाला, उसके नीचे आ गया है जियो। तो अगर आपका जियो का नहीं है, कोई और ऑपरेटर है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके सारे ऑपरेटर्स को चेक कर सकते हैं। तो मेरा तो जियो आ गया। फिर आप बारी आती है अमाउंट की। तो अमाउंट मुझे 19 रुपीज़ में 0.15 GB जियो वाला दे रहा है, तो मैं एक नॉर्मली आपको रिचार्ज करके बताता हूँ। या फिर आप जो भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं, यहाँ से आपको बेस्ट ऑफर मिल जाएंगे। फुल टॉक टाइम, 2G 3G डाटा, 2G टॉप अप्स, स्पेशल ऑफर्स, रोमिंग, आपको सारे चीज़ें यहाँ पर सारे नेटवर्क्स के मिल जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, बहुत सारे लोग करते हैं फास्ट फॉरवर्ड पर क्लिक, तो हमें इस पर नहीं करना है। हमें नीचे करना है प्रोसीड टू रिचार्ज, तो हम इस पर कर देते हैं क्लिक। तो अब हमें ये ऑफर्स भी देगा, तो आपको नीचे मिल जाएगा हैव ए प्रोमो कोड, उस पर कर दीजिए क्लिक। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रोमो कोड्स मिल जाएंगे, जिस पर हमें कैशबैक भी मिलेगा, या फिर बहुत सारा अमाउंट भी हमें जैसे कि मिल सकता है। अब जैसे कि यहाँ देखेंगे लखपति, तो अगर हम ये इसको करते हैं अप्लाई, तो अगर हम लकी होंगे तो हमें 1 लाख रुपीज़ कैशबैक भी पेटीएम देगा। तो फिलहाल तो मैं ये नहीं डालूँगा, मैं सिंपली एक दूसरा पहले से मैं ढूंढ कर रखा था। तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि आपको फर्स्ट में है 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ का आपको कैशबैक मिल सकता है। तो मैं करता हूँ फैमिली पर क्लिक। तो ये देखिए पेटीएम मुझे कह रहा है कि मेरा प्रोमो कोड हो गया सक्सेसफुली, 300 रुपीज़ कैशबैक आ सकता है मुझे। तो दोस्तों, हमें प्रोमो कोड डाल दीजिए सिंपली, उसके बाद कर दीजिए प्रोसीड टू पे 19 रुपीज़। तो हमें इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये हमारा रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया। देख सकते हैं आप, मुझे रिचार्ज की डिटेल आ गई, पेमेंट ऑफ 19 रुपीज़ रिसीव बाई पेटीएम, पेटीएम को हमारे 19 रुपीज़ चले गए। हमारा ऑर्डर नंबर है, ये हमारी डेट और टाइमिंग वगैरह भी दी गई है सारी। फिर हमें यहाँ पर सक्सेस भी हो गया हमारा रिचार्ज। तो देखा दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है रिचार्ज का। आप आराम से कौन से भी नेटवर्क पर, बहुत ईजी से आप कौन से भी नेटवर्क पर कर सकते हैं रिचार्ज, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो दोस्तों देखिए, मुझे मैसेज भी आ गया पेटीएम की तरफ से, ये आप देख सकते हैं 6:13 को मुझे आ गया मैसेज, 15 मार्च को योर प्लान MRP 19 एक्टिवेट ऑन जियो नंबर। तो मेरा जो जियो नंबर है उसके ऊपर मेरा प्लान हो गया एक्टिवेट, यानी कि मेरा रिचार्ज हो गया सक्सेसफुली। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इसको फॉलो कर एनी नेटवर्क पर कर सकते हैं रिचार्ज। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूले, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड।